आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जरूर पूछिएगा, जब उनकी सरकार थी तब वो इस इलाके में आपके गांवों में कितनी बिजली देते थे? यूपी में और पश्चिम यूपी में ये बात होती थी या नहीं कि हमारा किसान और युवा बिना बिजली के मात खा जाता है? घर घर में ये चर्चा होती थी कि बिजली के अभाव में नौजवानों का भविष्य कैसे रोंदा जा रहा है। आज जब आपके गांव गांव में बिजली आ रही है तो इसका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उन्होंने प्रदेश को अंधेरे में रखा ताकि अपराध बढ़े। हमने बिजली दी ताकि विकास बढ़े। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों ने यूपी का बहुत समय गंवा दिया है। अब यूपी को उस नुकसान की भरपाई करते हुए और तेजी से आगे बढ़ना है। पहले की सरकारों का मॉडल समस्या पैदा करो फिर सहानुभूति के नाम पर सब समेट लो का था। उनके इस मॉडल से किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, दलित सब परेशान थे। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। हमने बेटियों को उनका असल सम्मान दिलाया है। हमारी सरकार ने बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में हजारों बहनों को उज्ज्वला के जरिए मुफ्त कनेक्शन देकर उनका जीवन आसान बनाया है। पिछले 5 साल में इन इलाकों में इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज बनवाए हैं। भाइयों और बहनों, पिछली सरकारों ने गरीब की कभी चिंता नहीं की। गरीब उनके लिए हमेशा राजनीति का माध्यम रहा। हमारी सरकार गरीब की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए उसकी हर चिंता को कम करने का प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत के जरिए हमने गरीब को बीमारी के दौरान इलाज के खर्चे की चिंता से मुक्त किया है। इसका लाभ मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा के 3 लाख से ज्यादा गरीब को सुनिश्चित हुआ है। आज यूपी में हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है कि यूपी का विकास कौन कर सकता है। पहले उत्तर प्रदेश को शुद्ध जल भी नसीब नहीं होता था। आज हर गांव के हर परिवार को नल से जल की सुविधा दी जा रही है और मेरी माताएं बहनें
इन कामों के कारण हमें आशीर्वाद देती है।